वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज़ हिना एंड योर वॉचिंग माई चैनल शॉपाहोलिक हिना। आज का वीडियो होने वाला है इसी के ऊपर, जो कि है O3 विटामिन सी ब्राइडल फेशियल किट, कि कैसे आप जो है सोनिक गैजेट का यूज करते हुए आप इसे यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी क्लिंजर, जो कि है स्टेप 1। ये मैं यूज़ कर रही हूँ विद अल्ट्रासोनिक गैजेट, क्योंकि इससे क्या होगा कि जितनी भी इम्प्योरिटी डर्ट होगी वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। तो इसके ऊपर मैं एक टूल लगा रही हूँ, जो कि इसका जाता है इसके अंदर अच्छे से रिमूव कर देता है डेड स्किन्स वगैरह। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किन अच्छे से क्लिंज हो जाए इसी फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो देखिए, अगर मैं क्रीम इस क्लेंजर की कंसिस्टेंसी की बात करूं तो बहुत ही माइल्ड क्लेंजर है, क्रीम बेस्ड है और बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, बहुत अच्छे से डर्ट को रिमूव करता है। इवन आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड स्टेप में ही अभी आपको दिखेगा कि क्लीन हो जाएगा। तो यस, प्लेन वाटर से इसे क्लेंज करने के बाद आपको क्लीन कर लेना है टाल से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्किन क्लीन एंड क्लियर हो चुकी है। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। तो स्टेप नंबर 2 है ये, जो कि है माइक्रोडर्मा ब्रेजन, जो कि एक एक्सफोलिएट है। और इससे क्या होगा, ये स्क्रब फॉर्म में है, तो इसके लेकिन जो इसके ग्रैनुल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है एंड बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भी हार्श नहीं है आपके स्किन पर। तो जो भी स्किन टाइप है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा आपके स्किन टाइप को। ईजिली आपको अच्छे से फेस पर लगा लेना है और 2 से 3 मिनट देना ही नहीं। का एरिया आपको कवर करना है, चिन का एरिया एंड फोरहेड का एरिया, क्योंकि ज़्यादातर यहीं पर इस तरीके के इश्यूज होते हैं, जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स होते हैं अनिति है। तो नेक को भी मत भूलिएगा, अच्छे से मसाज करते हुए थोड़ा वाटर ऐड करते हुए अपनी स्किन को आपको क्लीन करना होगा। देन अगेन मैं क्लीन टाल या फिर आप कह सकते हैं कि आप लेकर अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। क्लीन करने के बाद ही आपको, जैसे मैंने बताया कि रिजल्ट देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट क्लीन लगती है आपकी स्किन टच करने में। देन मैं यूज़ कर रही हूँ O3 टॉनिक। ये है विटामिन सी टॉनिक, जो कि टैपिंग मोशन में आपको अपने फेस पर इसे एब्जॉर्ब करवा लेना है। बिल्कुल वाटर कंसिस्टेंसी में है, वैसे तो अलग तरीके की मशीनें यूज़ होती है, क्योंकि हमारे पास नहीं है, इस वजह से हम अपने हैंड्स का ही यूज़ करेंगे। देन हमारा 4th स्टेप आ जाएगा, जो कि है मसाज क्रीम। मसाज क्रीम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक गैजेट। ऑल ओवर फेस लगा लेंगे, बहुत ही ज़्यादा बटरी सॉफ्ट क्रीम होती है ये, थोड़ा सा ऑयली टेक्सचर होता है जब ये डिजॉल्व होने लगती है स्किन में। इस मशीन का फ़ायदा ये है, बहुत करना होता है आपको सेशन कम से कम 10 से 15 मिनट। अगर आप हाथों की हेल्प से करते हैं तो आधे हाथ में ही एब्जॉर्व हो जाती है आधी स्किन में, लेकिन ये बहुत अच्छे से डिसॉल्व करते हुए क्रीम को ये आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती है। वो हीट आपको महसूस होगी कि ये स्किन के अंदर काम कर रही है। तो यस, मैंने इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक यूज़ किया था इसके मसाजिंग मोड पर, क्योंकि इसके अंदर, जैसे मैंने इसकी पूरी डेडिकेटेड वीडियो दी है कि ये 3 मोड में चलता है, जो कि मसाजिंग इसका एक मोड है। तो बस उसी मोड पर मैं इसे अच्छे से रिलैक्सिंग मोड में इसको अच्छे से कर रही हूँ, ताकि क्रीम जो है मुझे अच्छा इफेक्ट दे और बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। देन जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टेप नंबर 5, जो कि है वाइटनिंग मास्क। ये वाइटनिंग मास्क आपको ऑल ओवर फेस लगाना होता है 10 मिनट्स के लिए, और 10 मिनट्स के बाद आपको क्या करना होता है, या तो आप टाल ले लीजिए, वेट टाल ले लीजिए, या फिर टिश्यू के हेल्प से इसे अच्छे से रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद ही आपको इफेक्ट नज़र आ जाएगा, हल्की हल्की स्किन जो है काफ़ी ग्लोइंग और ब्राइटन अप लगने लगेगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सो अच्छे से आप इसे क्लियर कर लें एंड देन उसके बाद वॉश भी कर सकते हैं प्लेन वाटर से।
पे आ जाती है मास्की, जो कि है स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं फेशियल पावर मास्क जेल और पाउडर। क्या करना होता है, इसे आपको 1:3 के हिसाब से मिक्स करना होता है एक बॉल में, जो कि एक जेल एंड देन पाउडर। ये येलो कलर का पाउडर होता है और ऑल ओवर फेस आपको लगाना होता है। ये एक रबर मास्क है, तो आप चाहे तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, नहीं तो जिस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ स्ट्रगल करते हुए, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। मुझे आपको दिखाना था, इस वजह से मैं खुद से ही अप्लाई कर रही हूँ, आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अच्छे से कोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा चिलिंग सेंसेशन यानी कि एकदम चिलिंग इफेक्ट देता है आपके स्किन पर। अगर किसी भी तरीके की यू नो इचिंग हो रही है या बर्निंग हो रही है इस सेशन को लेने के दौरान, ये सभी चीज़ों को काफ़ी काम डाउन कर देगा। बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है विंटर्स में, तो खासकर ये आपको बहुत ही ज़्यादा चिलिंग इफेक्ट दे सकता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आफ्टर डेट 10 से 15 मिनट के अंदर ही सूख जाता है, एंड देन आपको इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको पील ऑफ करके निकाल लेना है। बिल्कुल रबड़ है, इजी है। थोड़ा बहुत अगर हेयर वेयर में लग जाए, देन उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेन वाटर लेना है एंड सारा वॉश ऑफ कर लेना है, वेट टॉल से सारी चीज़ें आपको क्लीन कर देनी है। तो ये चीज़ आप करिए, आप देखेंगे स्किन बिल्कुल वो जो ऑयल ऑयल सा होगा सब चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती है इस स्टेप तक लेते हुए। बहुत अच्छे से मैट आपकी स्किन लगती है, क्लियर ब्राइटन अप लगती है, काफ़ी सॉफ्ट सपल हो जाती है। तो ये है मेरी स्किन आफ्टर वॉश, देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्लियर लग रही है फर्स्ट स्टेप से, आप खुद ही देख सकते हैं। देन मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी ग्लो फेस शीट मास्क। ये जो शीट मास्क है ये बाकी शीट मास्क से मुझे अलग लगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम सीरम था, मतलब इतना ही था कि बस स्किन पर आए, क्योंकि हमें हैबिट है जो बाहर के सीरम या शीट मास्क आते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब डिप्ड होता है। ये बिल्कुल डिप नहीं था, बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट के साथ ये आया था, और कुछ इस तरीके का फिल्म आता है, फिल्म हटाने के बाद आपको इसे अपने ऑल ओवर फेस लगा लेना होता है। आई पैड जैसा भी इसके अंदर शीट मास्क का पोर्शन है, तो उसको लिड के ऊपर आप रख लीजिए, एंड काफ़ी अच्छा कट है तो अच्छे से यू नो कॉन्ट्रोल कर देता है, स्किन में अच्छे से स्टिक हो जाता है, इतना है। तो यस, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा लगभग 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं आपको अप्लाई करना होता है। सो अच्छे से अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट आपको रखना है। एंड 10 से 15 मिनट के बाद आपको इसे रिमूव कर लेना है शीट मास्क को, और देखेंगे कि आपके स्किन पर अच्छे से ये आ जाएगा जो भी विटामिन सी होगा। अच्छे से मसाज कर लीजिए, नेक पे ईयर्स पे भी स्प्रेड कर लीजिए ताकि अच्छे से ये आपके स्किन पर आ जाए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि है विटामिन सी सीरम, और ये जो अप्लाई करना है ये करना है अल्ट्रासोनिक गैजेट को यूज़ करते हुए। यस, मैं अपने फेस पे इसे ड्रॉप पूरे फेस पे डाल लूंगी। ये थोड़ा सा ऑयली और थिक कंसिस्टेंसी में आप ये कह सकते हैं। तो अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैं यूज करूंगी वही टूल, और उसको ले जाऊंगी एक थर्ड जो उसका मोड है टोन, टोनिंग वाले मोड पे ले जाने के बाद मैं इसे अप्लाई करूंगी जो भी स्पैचुला है ये इलेक्ट्रॉनिक, और उसकी ही हेल्प से क्या करूंगी कि स्किन के अंदर इसे एब्जॉर्ब करवाऊंगी, ताकि जो भी सीरम है वो डीपर पेनिट्रेट हो मेरे स्किन में, और इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे मिले। पहले ही आपको करना होता है किसी भी इवेंट से, क्योंकि क्या होता है अगर कोई फ्लॉ या फिर कुछ इशू भी होता है तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक रीज़न होता है। बाकी ग्लो के लिए या इसके रिजल्ट के लिए भी बोला जाता है कि आपको जो है इसे कम से कम 2 दिन पहले, इससे पहले लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।
जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि बहुत ही कामिंग सेशन होता है अगर आप इससे लेते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस होती हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट, एक बार में ये कई थाउजेंड वाइब्रेशंस करता है स्किन के अंदर, तो जिसके वजह से जो एक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा डीपर होता है कंपैरेटिवली आपके हैंड के जेस्चर से। दो से तीन मिनट से ऊपर करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इसका फाइनल स्टेप जो कि है मेलाडर्म, जो कि एक वाइटनिंग क्रीम है SPF 30। ये मैं लगा रही हूँ, ये सन प्रोटेक्शन है तो ये फाइनल स्टेप है इसका। ये बिल्कुल वाइटन अप भी करता है, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लियर लगती है, साथ ही साथ प्रोटेक्शन तो ये प्रोवाइड करता ही है। तो इसे हमें हाथों के ही हेल्प से लगाना है, पूरे फेस पर, नेक पे आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। थोड़ा थिक होता है तो उसी हिसाब से आप लीजिएगा क्वांटिटी को, एंड ऑल ओवर फेस जो है आप इसे मसाज करते हुए अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए, एक लेयर अप कर लीजिए। देन दैट्स इट, इतना ही आपको करना है एंड आपका फेशियल कंप्लीट है। येस आई नो कि ये थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं चाहती थी इसे डिफरेंट तरीके से, इसका डिफरेंट एक आप कह सकते हैं वे दिखाना चाहती थी कि अल्ट्रासोनिक गैजेट के साथ ये कैसा रिजल्ट आपको देता है। तो रिजल्ट आपके सामने है, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं रिलैक्सिंग सेशन हो जाता है, घर में ही हो जाता है, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से आपको इसे ट्राई करना चाहिए, काफ़ी अच्छा ये रिजल्ट आपके स्किन पर देख के जाता है। मैंने अपने घर में अपने सिस्टर का भी किया था। सो या दैट्स इट, ये होता है कंप्लीट हमारा सेशन और ये है फाइनल रिजल्ट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो सो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।